तो यूपी में चुनाव आचार संहिता लागू होते ही सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। आज से जिले की 5 विधानसभाओं के 2172 बूथों पर महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं की टोली पहुंचेगी, जो योगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए डोर टू डोर जाकर वोट मांगेंगे। भाजपाइयों की प्रत्येक टोली में 5-5 कार्यकर्ता शामिल हो पाएंगे। संपर्क टोली घर घर संपर्क और संवाद स्थापित करेगी। संपर्क अभियान के दौरान कार्यकर्ता जनता को सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं के बारे में बताएंगे, उनसे कमल के फूल को वोट देने व समर्थन करने की अपील करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क अभियानों के तहत लाभार्थी महिला, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और प्रबुद्ध वर्ग लोगों के लिए अलग अलग संपर्क व संवाद करने की रणनीति को अंतिम रूप दिया है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पांडे इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। दीपक, देखिए, मुख्यमंत्री योगी को अगले चुनावों में भी जो यूपी का सिरमौर है वो बनाने के लिए कवायद शुरू हो रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि जनसभाएं अभी नहीं होगी 15 तारीख तक तो विशेष तौर पर, लेकिन भाजपाइयों ने नया तोड़ निकाल लिया है, घर घर जाकर डोर टू डोर जाकर के वोट मांगेंगी। क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है सबसे पहले तो वो बताएं, और किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो भी जानकारी दें। जी जयती, बता दें उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान भी हो गया है, लिहाजा सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक किसी भी रोड से और रैली पद यात्रा पर रोक लगा रखी है और दलों को वर्चुअल प्रचार करने की सलाह दी। इसी बीच सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी अब जन विश्वास यात्रा के बाद आज यानी 11 जनवरी से प्रदेश भर में जनसंपर्क यात्रा निकालेगी। इस अभियान के तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रोटोकॉल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर घर जाएंगे और सरकार की योजनाओं को बताएंगे। जनसंपर्क अभियान के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के लिए किए गए कार्यों की जानकारी को लोगों तक देंगे और वो बताएंगे कि प्रदेश की योगी सरकार ने कैसे अपराधियों पर नकेल कैसी, कैसे बेघरों को आवास मुहैया कराए और घर घर बिजली पानी पहुंचाने के लिए प्रयास किए, इसके अलावा कैसे यूपी को रोजगार प्रदेश बनाया और कैसे किसानों को खुशहाल बनाया। और बात की जाए जैसे कि योगी के पोस्टर की, घर घर भाजपा और योगी है तो यकीन है, मोदी है तो मुमकिन है, ये भी आपने देखा होगा एक पोस्टर चल रहा है प्रदेश में। और बात की जाए पब्लिक का सहारा भी लेगी बीजेपी, प्रदेश की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी पूरी हुई हर आस घर पहुंच रहा विकास का पंपलेट सहारा लेगी। 2 पेज के इस पंपलेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और प्रदेश के ही उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से जो आते हैं दिनेश शर्मा की भी फोटो है। इसके साथ ही पंपलेट में योगी सरकार की 1 दर्जन से अधिक उपलब्धियों का भी जिक्र है। जी दीपक, बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।